और यहां पर जो कंक्लूडेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसमें काफी सारे टारगेट्स निकल के आए हैं काफी सारे निकल के आए हैं जो कि वर्ल्ड एज एन होल कहीं ना कहीं फुलफिल करना चाहता है and these goals, these कि ये फिशिंग होता है क्या है इस फिशिंग के क्या क्या रैम्पिफिकेशन होते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं उसे कैसे हम लोग चैलेंज कर, कर सकते हैं कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं एंड वाट इज देंटर वैन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ फिशिंग दैट वुड बी इन आवर सेकंड आर्टिकल द थर्ड वन इज ऑन दस्पेक्ट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशरी सो यहाँ पर बात करेंगे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उस पेंडेंसी ऑफ केसेस के कारण क्या-क्या रैंपिफिकेशंस होते हैं कौन से-कौन से हैं कल प्रिस व्हेन इट कम्स टू पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या-क्या हैं वे फॉरवर्ड्स कौन से कौन से स्टेप्स हम लोग ले चुके हैं व्हेन इट कम्स टू मिटिगेटिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली वी विल सी इन आवर थर्ड आर्टिकल द फोर्थ वन इज ऑन टू एस्पेक्ट्स द फर्स्ट वन इज ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी

is on the quiz of the day so with that now let's move to our first article that is on the aspect of united nations conference of parties of the convention of biological diversity a conference of parties 15th conference of parties summit this has been one of the most iconic सबमिट्स जो कि एज ऑफ नाउ हुआ है इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बिकॉज ऑफ दी डील्स जो कि यहाँ से निकल के आ रहे हैं एंड दैट इज वाई दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट

सो so ये जो कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है दिस हैज बीन एन रिजल्ट ऑफ द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू दी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अब ये जो 15th एडिशन था 15th एडिशन बिकॉज़ ऑफ द कोविड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू पार्ट्स द सेकंड पार्ट

कि जब हम लोग बायोडावर्सिटी की बात करते हैं या बायोडावर्सिटी कन्वर्जेशन की बात करते हैं हम लोग फुलफिल करने से हम लोग नाकामयाब रहे थे मोर कॉम्प्रिहेंसिव मोर एम्बिशियस टारगेट्स मोर स्पेसिफिक टारगेट्स एंड इज द टारगेट्स ऑफ द ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क And this agreement makes sure that all the country around the world comes together to have a collaborative effort when it comes to decreasing the biodiversity loss and enhancing or revitalising the biodiversity as such. That is the basic aim of this framework. Now, in this framework, there are four goals and 23 targets that needs to be achieved. और इन गोल्स को समझने के लिए दे आर क्लब्ड इन टू फोर कैटेगरीज विच आर टर्म्ड एज गोल ए बी सी एंड डी सो गोल ए में फोकस इज ऑन इंटीग्रिटी कनेक्टिविटी ह्यूमन इंडियो एक्सटेंशन को रोकना

सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन हैं फ्यूचर भी उसे यूटिलाइज कर पाए उसे एक्सप्लोर कर दैट इज बेसिक सेट ऑफ गोल्स जो कि क्लब अप किया गया है अंडर गोल बी नाउ द थर्ड सेट ऑफ गोल्स इज गोल सी गोल सी में काफी सारे एम्स हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम और दी हाईलाइट ऑफ गोल सी इज द फोकस ऑन द इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी यहाँ पर इंडिजिनियस लोग जो या जो लोकल कमिटीज हैं उन्हें काफी सारे देने की बात की गई है उन्हें भी देना है। goals, A, को अचीव करने के लिए वी नीड टू हैव मैन पावर वी नीड टू हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉर ऑल दोंगस वी नीड टू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल मोबिलिटी और स्टेबिलिटी होना जरूरी है एंड दैट इज वाई गोल डी में द financial resources capacity building and technical and scientific cooperation so these are the set of goals which form the base of what we have when it comes to goal a b and c with that now let's move to the targets targets so as I told there are 23 set of targets is framework now, to understand all these 23 targets, it's kind of more comprehensive and it can be burdensome for you guys. but here it is very crucial. we in targets, ke highlights, ko that is very important. so let's see the highlights here. so the first point here to note is have effective conservation land and management of at least 30% of world's land and inland waters and coastal areas and oceans, or is ambitious target koshanjay 30 by 30 aspect.

Risk by the pesticides. जो पेस्टिसाइड्स हैं, हैं जो कि हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं कल्टिवेशन में यूज करते हैं इन पेस्टिस और बर्डन का well और इसलिए हमें ये जो रिस्क है इसे कम करना है इससे होने वाले जो रिस्क है वो हम कम करें बाई हाफ बाय द्वेंटी थर्टी इसके साथ साथ इन सब एस्पेक्ट्स को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव फाइनेंशियल मोबिलिटी और इसीलिए इट हैज क्लियरली मेंशन कि हम प्रोग्रेसिवली फेस आउट करें और रिफॉर्म करें बाय द 2030 सब्सिडीज दैट हार्म द ऐसे सब्सिडीज जो कि बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं वैसे सब्सिडीज को हमें फेस आउट करना है द सेम टाइम इन सब्सिडीज को जब आप फेस आउट करोगे यू नीड टू हैव फाइनेंशियल मोबिलिटी एंड दैट इज द नेक्स्ट आगे जहां पर हम लोग कह रहे हैं कि बाय द ईयर 2030 हमें एटलीस्ट 200 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करना है नाउ ये 10-200 बिलियन पर ईयर ओके कहने के लिए बड़ा अमाउंट होगा, और इसीलिए पर हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज़ को और रिवाइटलाइज करना है और प्रायोरिटी देना है सेम टाइम एनदर बिगेस्ट चैलेंज कम्स टू बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ ह्यूम इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीसेस काफी बार हम लोग एलियन स्पीसीसेस को आउटसाइड द एनवायरमेंट किसी और एनवायरमेंट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं इसके कारण जो आपके नॉर्मल वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है दैट गेट्स एफेक्टेड और इस इशू को रिड्यूस करने के लिए इट हैज बिन क्लियरली मैंशन कि हम ऐसे चीजों को ऐसे मिस्टेक्स को हम प्रिवेंट करें सो दीज आर दी ग्लोबल सेट ऑफ टारगेट्स जो कि हमें अचीव करने हैं अंडर दिस फ्रेमवर्क विथ दैट नाउ लेट्स मूट आर्टिकल दैट इज ऑन दैनिंग पर्स इन फिशिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि यह पर्स इन फिशिंग होता क्या है इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं सो पर्स इन फिशिंग इसम द नेम और यहां पर इस टाइप ऑफ फिशिंग में हम नेट यूज करते हैं और इसीलिए इट्स अ अ काइंड ऑफ ऑफ इट्स पार्ट नेट फिशिंग आल्सो दिस टाइप ऑफ नेट फिशिंग हम यूज करते हैं इन ओपन सी या ओपन ओशन जहां पर हम लोग डेंस स्कूल ऑफ फिश को टारगेट करते हैं ऐसे फिश जो कि मिड वाटर्स में होते हैं फॉर एग्जाम्पल चोना या मेट्रल जैसे जो फिश है तो so यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग एक वर्टिकल नेट या करटन जो है वो हम लोग पानी में डालते हैं एंड दिस इज यूज्ड टू सराउंड द स्कूल ऑफ फिश एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम और सराउंड करने के बाद आप इसे वापस ड्रॉ करते हो इन द इन दैट फॉर्मेट व्हाट यू कलेक्ट और यू कैच दिसंड ऑफ नॉन सेलेक्टिव यहाँ पर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कि किसिज ऑफ फिश को आप पकड़ रहे हो।, हो सकता है कि यहाँ पर एंडेंजर टर्टल्स या एंडेंजर्ड फिश भी इसके जाल में फंस जाए एंड दैट इज ए बिगेस्ट इशू और चैलेंज कम्स टू This kind of fishing. और इस चैलेंज और इश्यू को देखकर ही जितने भी ज्यादा जो स्टेट है, है इंडिया के फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश केरला इस टाइप के फिशिंग को बैन किया गया है या टाइटली रेगुलेट किया गया है बट अभी एज ऑफ नाउ सेंटर ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था और एक्सपर्ट पैनल के अनुसार जो इशूज है जो चैलेंज है

केसेस इन इंडियन जुडिशरी नाउ ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इन इंडियन जुडिशरी इट्स अ बुकिश एग्जांपल काफी सारे एस्पिरेंट्स काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस दिस इशू पॉसेस और इसीलिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इशू इन आवर थर्टीथ नंबर वीडियो जहां पर वी स्टार्टेड विद दी वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम लोग पहले स्टैटिस्टिक्स हम लोग ने डिस्कस किए कि एज ऑफ नाउ करेंट सिनेरियो के हिसाब से कितना ग्रोसम है दिस पेंडेंसी ऑफ then we talked about what the culprits when it comes to pendency of cases and then we talked about what can way forward so all these nuances we have discussed in our 30th november video itself so please refer to the video so that you have a clear cut clarity when it comes to pendency of cases with that now let's move to our next aspect that is on the aspect of monetary policy and economic advisory council of the prime minister so first let's start with monetary policy now this monetary policy is a quite important topic when it comes to indian economy

Then we went on to discuss कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं कितने टूल्स, है, टूल्स इसमें क्या है नो आंसर दैट ऑल्सो वी डिस्कस एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस we discuss on the monetary पॉलिसी कमिटी की कैसे इस टूल्स के अकॉर्डिंगली कैसे monetary पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप

जो कि हिंदू में लिखा गया है या यू कैन एब्रीवेट इट एज ई ए सी पी एम जो कि जनरली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दिखता है सो विच अव वे यू लाइक टू हैव इट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हैउंसिल ऑफ दिस काउंसिल नाउ दिस काउंसिल इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल दैट मीन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी दैट मीन्स इसका जो जिक्र है वो संविधान में नहीं है प्लीज रिम्बर इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल

to give advice on the economic and the related issues to whom to the government of india specifically the prime minister so yahan par jo prime minister ko ek neutral view point dene ka का kaam hai that is a basic aim of this council और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे experts हैं काफ़ी सारे stalwarts होते हैं economy के और क्योंकि इकोनॉमी इस वेरी बिग टर्म्स और इसीलिए इकोनॉमी में एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रखने के लिए अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन माइक्रो फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑल्सो और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए या बजटिंग सपोर्ट के लिए अगर इसमें इशूज रेफर करने के टर्म्स को जानेटेड टू इकोनॉमी या एनी इशू जो की रेफर किया जाता है बाई द प्राइम मिनिस्टर कैन बी टेकन बाई दिस काउंसिल एट द सेम टाइम अगर कोई इशू है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है दैट इशू कैन आल्सो बी टेकन बाय दिस काउंसिल फ्योमोटो इसके साथ साथ अगर कोई और इशू है अपार्ट फ्रॉम दिस इश्यूज़, जो कि प्राइम मिनिस्टर रेफर करते हैं या डिजायर करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम या एनी अदर मिनिस्टर डिजायर करते हैं दैट ऑल्सो कैन बी टेकन बाय दिस काउंसिल और इस काउंसिल ये सब एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं इसके नोसेस में जानते हैं इसके बारीकी में जाते हैं एंड दे गिव अ न्यूट्रल आउटलुक और ये जो आउटलुक है रिपोर्ट्स देर आर सम ऑफ द मेजर रिपोर्ट्स जो कि ये काउंसिल निकालता है विच इज नॉन एज द दल इकोनॉमिक आउटलुक एंड द रिक्यो ऑफ द इकोनॉमी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक जो कि ये कमेटी निकालता है विद so क्लैरिटी

जो एस्पेक्ट है जिसका जो हैं दैट वी डिस्कस फॉर्म ऑफ एन पी डी एफ जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट स्टडी हार्ड वर्क हार्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे सेफ यू डूइंग द सेम फॉर यू गायस टूमोरो